प्रोग्रेशन, लेट्स रिवाइज द प्रोग्रेशन. और प्रोग्रेशन से इंपॉर्टेंट ये होगा कि नाउ आई विल गिव यू द रूल टू द लेवल ऑफ मंथ प्रेडिक्शन थ्रू प्रोग्रेशन. ठीक है, इट्स अ रूल. आई मीन ये शेयरिंग द कंसेप्ट हाउ टू सी मंथ प्रेडिक्शन यूजिंग प्रोग्रेशन. थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे पहले, उसके बाद रूल को लगा के देख लेंगे. जुपिटर का गोचर 12 महीने का होता है. जुपिटर एक राशि में 12 महीने रहते हैं गुरुदेव, ये पता हम सबको. इसी प्रकार से शनिदेव एक राशि में 30 महीने रहता है, ये भी हमें पता है. राहु और केतु एक ही राशि में 18 महीने रहते हैं, ये भी हमें पता है. जुपिटर और शनि देव यानी कि गुरु शनि देव रेट्रोग्रेड हो सकते हैं. राहु केतु तो बाय डिफॉल्ट रेट्रोग्रेड है, ये भी हमारे को पता है. और इन सबकी अपनी अपनी डिग्री होती है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो कितनी डिग्री के उस टाइम पे गोचर कर रहे हैं, ये भी हमें पता है. हमें ये भी पता है कि राहु देव केतु देव रिवर्स चलते हैं तो किसी भी जगह पे 30 से शुरू होकर 0 तक जाएंगे. और जो चीज जिसको क्लियर ना हो पूछ लीजिएगा. तो ये भी पता है मैं राहुदेव केतुदेव 30 से शुरू होकर 0 तक जाएंगे और बाकी प्लैनेट 0 से शुरू होकर 30 तक जाएंगे किसी भी राशि में, राइट. ये भी हमें पता है. अब बात ये आती है कि गोचर को सॉरी प्रोग्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ लेते हैं एक बार, फिर एक चार्ट भी लगा के देख लेंगे. प्रोग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहला तीन रूल मैं बताऊंगा, यहाँ पे स्टेप बाय जाएंगे क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा तो पकड़ना आसान हो जाएगा. जो एक जो सबसे कॉमनली अप्लाइड रूल है पहले उसकी बात करेंगे, फॉलोड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द रूल. सो सबसे कॉमन प्रचलित रूल है वो ये कहता है कि प्रोग्रेशन हर बार 12-12 एक एक साल का होता है गुरु का, तो एक राउंड यानी कि 1 राउंड ऑफ गुरु टेक 12 इयर्स. मेक सेंस? फ्रॉम जिस राशि में, लेट्स अज्यूम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेष राशि में गुरुदेव बैठे जन्म के समय, तो वापस मेष राशि से लेके मीन राशि तक कंप्लीट करने में गुरुदेव को 12 साल लगेंगे. ठीक है जी, मेक सेंस? द फर्स्ट राउंड ऑफ गुरु स्टार्ट फ्रॉम वेयर द गुरु सिट्स, जहां पे भी गुरु की पोजीशन है वहां से शुरू हो जाएंगे और 12 साल कंप्लीट करेंगे. प्रोग्रेशन की बात करें, एंड प्रोग्रेशन है क्या, इट्स अ वर्चुअल मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट. ट्रांजिट इज अ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट. ट्रांजिट इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट एंड प्रोग्रेशन इज अ इमेजिनरी मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट, राइट. व्हाई इमेजिनरी? क्योंकि जीवन के इसको इमेजिनरी इसलिए बोला गया कि हम एक्चुअल ट्रांजिट कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, लेकिन जीवन के 12-12 साल के बाद गुरु तो आगे बढ़ ही रहे होते हैं. तो राव साहब ने बहुत कैलकुलेशन करके एक इमेजिनरी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट बताया, जिसको प्रोग्रेशन का नाम दिया, जिसको कई लोग राउंड भी बोलते हैं, कुछ और नाम से भी अनाउंस कर सकते, बट इट्स अल्टीमेटली प्रोग्रेशन. सो जब मीन राशि में गुरुदेव जन्म के समय थे तो मीन से लेके सॉरी मेष राशि में थे तो मेष राशि से शुरू हुए और मीन में जाके खत्म हो गया, ये एक राउंड खत्म हो गया. अगले राउंड को चालू करने के लिए गुरुदेव को हम गिनेंगे वृषभ राशि से. तो वृषभ राशि में जब गुरुदेव बैठे तो 13वां साल माना गया, वहां पे 12 तो हो गए मीन में, 13वां साल शुरू हो गया जी वृषभ राशि से. अभी 13 से 12 गिनेंगे तो 13 + 12 = 24वां साल खत्म होगा जाके मेष में, वृषभ के पहले मेष है, 24 के बाद 25वां आएगा. अभी 25वां साल शुरू होगा मिथुन से, तो मिथुन से 25वां साल शुरू हुआ, आगे बढ़ते गए ना, एक एक राशि आगे बढ़ते गए, तो 25 और 12 36, तो 36वां साल कंप्लीट होगा अगर मिथुन से चालू हुआ तो 36वां कंप्लीट होगा जाके वृषभ में. अब 37वां साल आएगा, 37वां साल शुरू होगा कर्क से, और कर्क 37 और 12 फिर बड़े 48, तो 48वां जाके खत्म हो जाएगा मिथुन में. कर्क के बाद लियो आता है,
तो लियो से शुरू हुआ 49th ईयर, और 49 12 को ऐड किया तो 60 आया। अब 60th ईयर जाके कंप्लीट हुआ कर्क में, लियो के पीछे कर्क। 61st ईयर शुरू होगा कन्या से, और 60 और 61 और 12 72, तो 72 कंप्लीट होके जाके लियो में। 72 तक की एज निकली तो काफी निकल गई वैसे, चलो एक 84 और देख लेते हैं। तो कन्या के बाद आया तुला, तो 73 शुरू हुआ तुला से, और 73 प्लस 12 84, 84 खत्म हुए जाके कन्या पे। और कई लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग होती है जो 100 तक पहुंच जाते हैं। तो 84 के बाद 85वां शुरू हुआ स्कॉर्पियो वृश्चिक से, और खत्म होगा जाके 84 और 12, 85 और 12 96 जाके खत्म हुए तुला में। और जो उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे आगे बढ़ जाएंगे, बस यहां तक की गिनती काफी है फिलहाल तो। ठीक, विनोद जी का हाथ भी खड़ा हो गया, अभी कुछ हुआ ही नहीं, बताए आप बताए। छोटा सा सवाल मन में ये है कि जब हमारे पास एक एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट ट्रांजिट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो हमें प्रोग्रेशन की जरूरत कब और क्यों पड़ी? बात बढ़िया है कि प्रोग्रेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी और कहां से पड़ी। जो आरजी राव साहब का कथन था वो ये कहते हैं कि ट्रांजिट जो है प्लैनेट का हर समय अपनी गति पे चल ही रहा है। प्रोग्रेशन जो होता है प्लैनेट का वो पैरेलली एक नियम के अनुसार काम करता है, जिसको वेस्टर्न साइंस के अंदर भी दिया गया है और वैदिक साइंस में भी अलग अलग तरीके में दिया गया है। अब ये कंसेप्ट को उन्होंने क्यों डिस्कवर किया पैरेलली, ये थोड़ा और एनालिसिस का विषय है, जिसके ऊपर मुझे भी एनालिसिस और करूंगा तो मैं बता पाऊंगा आपको। लेकिन यस, ट्रांजिट अब प्रोग्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर मान लो आप 50 साल के हैं तो 50 साल का पीछे का ट्रांजिट लगाना मुश्किल होगा, बट प्रोग्रेशन लगाना आसान पड़ता है, प्रोग्रेशन एकदम दिखता है, और आने वाली गति में भी प्रोग्रेशन एकदम कनेक्ट करता है, जबकि ट्रांजिट को बार बार मूवमेंट को दिखाना लेके जाना पड़ता है, प्रोग्रेशन निकल जाता है। वो हुआ इजीनेस की वजह से।